Assalamu alaikum. Today we are going to continue the exercise 10A and the question is question number 8. अच्छा, 8 क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले ये मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि जो हम फैक्टर्स बना रहे हैं, फैक्टर्स कंपलसरी है कि हम कॉमन लेते हैं 2 वैल्यूज़ में से या 3 वैल्यूज़ में से. अगर कॉमन लेते हैं तो सबके पास कॉमन हो, लेकिन लेट्स सी, वी हैव ए ओवर हेयर इधर हेयर, बट इधर ए नहीं है, सो वी कॉन्ट टेक द कॉमन ऑफ ए इवन. और बी भी इन 2 वैल्यूज़ में, इधर नहीं है, सो वी कॉन्ट टेक द वैल्यू ऑफ बी एज़ वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द मिडिल टर्म ब्रेकिंग. अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, लाइक इसको 6 कर देंगे, ताकि एक ही बात है, 6AB, जब 6AB में प्लस होगा सो इट वुड बी 12AB, सो वी कैन डू दिस. इससे ये एटलीस्ट होगा कि हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, सो वी कैन क्रिएट द फैक्टर्स ईजिली. 4A² इज 6A है, सो वॉट इज़ द कॉमन? द कॉमन इज 2A, सो वॉट इज रिमेनिंग? 2, 4 एंड ए स्क्वायर है, सो वी हैव ए ओवर हेयर. 2, 3 इज अ 6, 3 इज अ ओवर हेयर, ए बाहर आ गया, सो वी हैव रिमेनिंग बी. ओके, अगेन जस्ट फाइंड आउट द कॉमन फ्रॉम हेयर. 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, सो द 3 इज कॉमन ओवर हेयर एंड बी भी दोनों के पास है तो बी आ गया. देन व्हाट्स रिमेनिंग? 3 आ गया तो 3, 2 जा 6 होता है, सो 2 अंदर आएगा, क्योंकि वो चीज़ें रिमेनिंग होती हैं जो मल्टीप्लाई होकर आपके पास यही वैल्यू आए, लाइक 3, 2 जा 6. ठीक है, ए बी आपका कॉमन है तो ए रिमेनिंग आ गया. 9 में से आपके पास 3, 3 जा 9, 3, 3 जा 9. ठीक है, बी आपका एक बाहर है तो एक अंदर आ गया. सो सी 2A+3B, 2A+3B अगेन हमारे पास ये ब्रैकेट किस में आ गया? कॉमन में आ गया, 2A+3B. एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या फैक्टर है? 2A+3B. ये जो दो वैल्यूज बाहर होती हैं इसको भी एक ब्रैकेट में ला लिया. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा. लेट्स स्टार्ट द अनदर वन क्वेश्चन, सो इट विल एक्सप्लेन यू मोर इफेक्टिवली. लेट मी एडजस्ट द कैमरा फर्स्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10 विद इट, सो यू विल डू द क्वेश्चन नंबर 9 बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ABC माइनस ए बी माइनस सी प्लस 1. ए बी इज कॉमन, सो वॉट वी हैव? सी माइनस 1. ओके, एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट, नो नथिंग इज कॉमन, सो टेक 1. जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 कहते हैं, कि 1 एक कॉमन चीज़ है जो सबके पास होती है, तो सी एज इट इज़ आ जाएगा. माइनस साइन का 1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एंड 1 अगेन अंदर रिमेनिंग आ जाएगा. सो सी माइनस 1, सी माइनस 1, सी माइनस 1 एक कॉमन ब्रैकेट आ गया, एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट इज ए बी माइनस 1. आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे. और यू आर सपोज टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, लाइक 9 and 11 पार्ट यू आर सपोज टू डू. थोड़े से 11 पार्ट होगा जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग इस तरह होगा कि लेंथी है, बट आई एम अटैचिंग द पिक्चर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस आल्सो, तो आप उसकी पिक्चर्स में से भी हेल्प ले सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.